ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है आपके साथ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते रहें, खासकर कनाडा को लेके इस पर्टिकुलर शो में हम बातें करते हैं। सो पिछले काफ़ी दिनों से एक रेगुलर क्वेश्चंस जो मुझे लाइव्स के अंदर बच्चों से आ रहा है कि नॉन एसडीएस का सक्सेस रेट क्या इम्पैक्ट हो गया है, क्या नए सिस्टम के अंदर नॉन एसडीएस को सक्सेस रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो प्रेजेंट सिनारियो है उसके अंदर नॉन एसडीएस को लेके क्या सिनारियो चल रहा है, जो पीपीआर्स आ रहे हैं क्या उसमें नॉन एसडीएस के पीपीआर्स आ रहे हैं। सो पहले तो मैं आपको ये टेंशन से दूर कर देना चाहता हूँ कि एसडीएस या नॉन एसडीएस जो पैटर्न पहले था उसी तरह से चलेगा। अभी ऐसा कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया कि नॉन एसडीएस को बिल्कुल वीज़ा नहीं मिले। नॉन एसडीएस बहुत सारे स्टूडेंट्स की पीपीआर आई हैं। सो नॉट टू वरी, अगर आपके एक किसी एक मॉड्यूल में 5.5 के कारण आप नॉन एसडीएस हो और अपनी फाइल लगा रहे हो तो नथिंग टू वरी एट ऑल, आपका वीज़ा सक्सेस रेट भी उतना ही रहेगा जितना एक अच्छे प्रोफाइल का रहना चाहिए। बाकी ओवरऑल नॉन एसडीआर और एसडीएस की सक्सेस रेट में एक फ़र्क शुरू से चलता आ रहा है, वो चलेगा बिकॉज उतना तो मैटर करेगा ही करेगा कभी भी। लेकिन हाँ, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपकी क्वालिफिकेशंस स्ट्रांग हैं, आपके एकेडमिक स्ट्रांग हैं और उसके साथ अगर आपके एक में 5.5 हैं तो शुड नॉट बी इशू। बट अगर आपके 5.5 हैं और आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर्ड होके चलें बिकॉज उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, खास करके जो बी टेक के स्टूडेंट्स होते हैं, बी फार्मा के स्टूडेंट होते हैं, डी फार्मा के होते हैं या ऐसी और टेक्निकल स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होते हो। अंडर ग्रेजुएट में फिर भी चले जाता है, प्लस टू नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, ये सब बच्चे ऑलमोस्ट निकल जाते हैं अपने सक्सेस रेट के साथ। बट ग्रेजुएट्स बच्चे और खासकर सिर्फ टेक्निकल ग्रेजुएट्स, आर्ट्स वाले भी निकल जाते हैं, बीए वाले, बीकॉम बिजनेस कोर्सेज में भी बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं एक में 5.5 में, कोई इशू नहीं है। बट जो टेक्निकल बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग को लेके हो, मेडिकल स्ट्रीम को लेके हो या किसी और स्ट्रीम को लेके हो, तो उन बच्चों को थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि वो 6 ईच के साथ ही फाइल लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा जो सक्सेस रेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको जो कोर्सेज भी मिलेंगे वो 6 ईच के साथ मिलेंगे बिकॉज ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो टेक्निकल कोर्सेज पीजी लेवल के विदाउट 6 ईच देते भी बहुत कम है, बहुत रेयर केस होता है। सो आई एडवाइज यू कि उनको सिर्फ ध्यान रखना है, रेस्ट एसडीएस और नॉन एसडीएस दोनों में जो सक्सेस रेट है जो ओवरऑल गिरा पिछले कुछ दिनों में या बहुत सारी रिफ्यूजल्स हम सब ने देखी हैं वो देखिए, बट ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है कि जो पीपीआर जैसे पिछले 2 दिनों में जो आई हैं तो उनमें नॉन एसडीएस के भी बहुत सारे रिजल्ट्स आए। सो नथिंग टू वरी, बी पॉजिटिव और अपनी जनवरी की फाइल्स को ज़रूर जल्दी लगाने की कोशिश करें बिकॉज बहुत लिमिटेड टाइम होगा, आपको एम्बेसी को 2 to 3 मंथ देने पड़ेंगे और जनवरी की फाइलों पर काम भी अभी शुरू होने में टाइम लगेगा बिकॉज प्रेजेंटली वो सेप्टेम्बर को खत्म कर रहे हैं और सेप्टेम्बर खत्म करते करते भी उनको सेप्टेम्बर एंड हो जाएगा। सो ट्राई टू लॉन्च योर फाइल्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू। नमस्कार दोस्त, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स, अ सिंपल 3 स्टेप्स। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर, यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।